लड़कियां लड़के मुंह के ऊपर वो हरा रंग लगा के चले जाते हैं क्रिकेट मैच पे, तालियां बजाते रहते हैं, हार जाते हैं, फिर उसके बाद जवाब क्या, तुम जीतो यो हारो, सुनो सुन लो फिर। दोस्तों आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, आप देख सकते हो मैंने पाकिस्तान की हार पर जो अफगानिस्तान में सेलिब्रेशन किया गया उसका भी क्लिप लगाया है। हालांकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच रिलेशनशिप क्या है इसको लेकर मैं काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैटर चलते हैं, मामले चलते हैं, उससे भी ज़्यादा खतरनाक अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच है। इसलिए उनके मैच के बाद डंडे लठ चलते हैं और बहुत बहुत झगड़े होते हैं। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, इस पाकिस्तानी एंकर ने गजब की कॉमेडी की है, एंजॉय करो भाई, इसको एंजॉय करो, ये बंदा बहुत मजेदार है, काफी हंसाता है, एंजॉय करो। फिर वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर बात, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बड़ा परेशान हूं यार, पूरी रात मैं नहीं सोया, परेशान रहा। पाकिस्तान ने जब से क्रिकेट मैच के अंदर, मैं क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रही, मैं आई एम आउट ऑफ वर्ड्स। खैर एनीवे, वैसे भी हमारे क्रिकेट प्लेयरों के हाथों में सुराख है, कैच तो ये पकड़ नहीं सकते, तो नहीं वैसे ये बड़े होशियार बनते हैं, आप इनसे पूछें, वो जो कौन सा लड़का था जो लंदन की गलियों में डांस कर रहा था ढोल बजाने वाला, भी ये काम बहुत अच्छे हैं सर, इस किस्म के कामों में बहुत अच्छे हैं। एक आपका क्रिकेट प्लेयर, पाकिस्तान ने एक बड़ा मशहूर मैच हारा था, उसके बाद वो जुआ खाने में जुआ खेल रहा था, है ना, और लंदन की गलियों में वो बच्चा, क्या नाम क्या यार उसका, वो जो फड़क फड़क के डांस कर रहा था, ये काम करवा लो इनसे। और वो क्या नाम है यार उसका, वो जो शोएब मिर्ज़ा है यार, वो जो इंडिया की भाभी है, क्या नाम उसका, सानिया मलिक, नहीं मलिक, शोएब मलिक, प्रोफेसर, पता नहीं क्या क्या इन्होंने नाम रखे होते हैं, दर्द तके का खेल पेश नहीं करते, फिर कहते हैं कि यार मैं जज्बाती हो जाता हूँ। भाई मैंने जो बात की थी सही की थी कि अली भाई ने बाबर आजम के बारे में क्या कह दिया, इंडिया वाले मेरी क्लिप चला रहे, पाकिस्तान में वायरल हो रही है, लोग बोल रहे हैं यार इंडिया का एंकर कितना अच्छा है, इस पर सुनाऊं क्या दो तीन तुम लोगों को, मैं पाकिस्तानी एंकर हूं भाई, मेरा दिल रो रहा है यार, लोगों पे कोई असर ही नहीं होता ना, असर क्या होता है, लड़कियां लड़के मुंह के ऊपर वो हरा रंग लगा के चले जाते हैं क्रिकेट मैच पे, तालियां बजाते रहते हैं, हार जाते हैं, फिर उसके बाद जवाब क्या, तुम जीतो यो हारो, सुनो सुन लो फिर। खैर एनीवे, अब मैं और नहीं कुछ बोलूँगा क्योंकि इंडिया वाले मेरी क्लिप वायरल करते हैं और मैं नहीं चाहता कि दुश्मन जो है वो हमारी क्लिप लेकर उसको वायरल करे और मेरे मुल्क के लोगों का दिल दुखाए जो पहले से ही बहुत सख्त दुखा हुआ है। और रमीज राजा बोल रहा है अवाम ये कि रमीज राजा तो पकड़ में आ जाए किसी दिन, यकीन करो। अच्छा खैर एनीवे, छोड़ो अब इन बातों को, भूल जाओ, अब भूल जाओ, पाकिस्तानी भूलने में बहुत अच्छे हैं। एक हम बिछड़ी मोहब्बत को भूल जाते हैं, उसके बच्चे आके मामू कहते हैं, हम बड़े खुशी से कहते हैं बेटा क्या है, ठीक हो, अब्बू कैसे, अम्मी कैसी, ठीक है ना, बिल्कुल वही कंडीशन हम लोगों की भी है ना, क्रिकेट मैच हार गया, उसके कोई नहीं, क्रिकेट श्रीलंका ने बड़ा अच्छा अच्छा गेम खेला, हम मामू हैं, हम ठीक हैं, हम मामू बन के ठीक है, बिल्कुल सही है ना, श्रीलंका वाले जीत गए, बोले उन्होंने बड़ा आला गेम पेश किया, अबे तुम लोगों ने बेकार गेम पेश किया, उन्होंने क्या आला गेम पेश किया, उनको तो तुमने टाइम पे जो है वो सारा काम कर दिया था, मैच तुम्हें प्लेट में मिला पका पकाया, तुम हार के आ गए, श्रीलंका वालों ने गेम बड़ा अच्छा पेश किया, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था जिसके आखिर में हम हार गए, बिल्कुल जैसे बिछड़ी मोहब्बत होती है ना, यार हमारा तुम्हारा इश्क बड़ा अच्छा था लेकिन फिर तुमने मामू के बेटे से शादी कर ली और मैं तुम्हारे बच्चों के मामू बन गया। खैर एनीवे मूव फॉरवर्ड, अभी मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं उल्टी सीधी बातें कर दूंगा, इसलिए इशू पे आए, आज पाकिस्तान में यौमे सोग है, नहीं क्रिकेट मैच हारने की वजह से यौमे सोग नहीं है भाई, मलका है, और ये बाबर आजम और ये रिजवान, मैं तो हैरान हो गया हूँ, बाबर आजम उसने कोई 8 इनिंग्स खेले हैं, उसमें 2 दफ़े 30 रन बनाए, इसको तो अपने आप को ड्रॉप कर देना चाहिए। और हमारी फील्डिंग टेरेबल, अफगानिस्तान हमारे से बेहतर फील्ड कर रहे थे, और मैं आपको बता रहा हूँ ये टीम जो अपने आप को इतनी अच्छी समझती है, आई डोंट थिंक इट्स ऑल दैट गुड,
इनकी बड़ा डिसिप्लिन, इनका फील्डिंग, कैचिंग, कॉलिंग. जब आप दो आदमी एक गेंद के लिए भाग रहे हैं, एक कॉल करते हैं, माइन कहते हैं, कुछ ऐसा होता है. ये तो कुछ नहीं कहते, एक एक के टक्कर लगा दे, एक एक के दे रन इन टू ईच अदर और कैच ड्रॉप हो जाती है. ठीक. बल्कि वो चौका, वो छक्का भी नहीं होता अगर उनका हाथ नहीं लगता, वो चौका ही तो होता. अच्छा, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की वैसे परफॉर्मेंस तो अच्छी जाती रही है लाली साहब, और बाबर आजम तो बड़े स्टार हमारे हैं और बड़े जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस है. ये ठीक है आपकी बात. वैसे समीना आखिरी दो बॉल, समीना इंडिया अफगानिस्तान के खिलाफ आखिरी दो बॉल्स आपको फुल टॉसेस मिले हैं. अब आप बताएं, उसको तोहफा देना चाहिए. वो बॉलर फारूकी था उसका नाम मेरे ख्याल में, और इंडिया के साथ भी भाई इट वाज कट्स, ये ऐसा कंफर्टेबल विन नहीं थे, क्लोज मैचेस थे, इसमें कोई शक नहीं. तो इतनी सुपीरियरिटी जो हमारी थी वो नजर आनी चाहिए. ठीक है, चलिए थोड़ा इमरान साहब का भी कमेंट लेते हैं. इमरान साहब, आप तो खैर इस वक्त दूर हैं, मैच देख रहे हैं क्या? और आपके का तो चूंकि इंटरेस्ट होता है तो आप कहीं पर भी हूँ मैच मिस नहीं करते, तो अभी तक तो क्या आपको लग रहा है मैच आखिर में खौफनाक हो जाएगा मजीद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखें, मुझे जाती तौर पर लगता है कि मैच जो है पाकिस्तान जीत जाएगा. देखें, फाइनल का एक अपना प्रेशर भी होता है, और वैसे तो क्रिकेट में ये कहा जाता है कैचेस विंस द मैचेस, लेकिन यहाँ पे आप सोचते ये देखिए कि 171 कोई ऐसा स्कोर नहीं है जो खो ना सके, और वैसे भी 82 के बाद अगर 90 के करीब रन बचते हैं तो पाकिस्तान इंशाल्लाह कर लेगा. ये जरूर है कि बाबर आजम इस एशिया कप में उस तरह से चल नहीं सके, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो जैसे लाली साहब कह रहे थे कि उनको बाहर ही बैठ जाना चाहिए. तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म. आपने देखा किस तरीके से इस पाकिस्तानी एंकर ने एक्सप्लेन किया है, और मैंने कुछ वीडियो और ऐड किए हैं. हालांकि पाकिस्तानी एंकर बड़ा ही मतलब यार मजेदार एंकर है, इसको पता है कि इसकी क्लिप इंडिया में वायरल होती है. ऑब्वियसली इस तरीके की आप मजेदार एंकरिंग करोगे तो आप वायरल हो गए. आप वायरल होना आप डिजर्व भी करते हो, आप डिजर्व करते हो, क्योंकि एंकरिंग में अगर आप एंटरटेनमेंट ऐड करते हो तो डेफिनेटली बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है. कल के मैच की बात करें तो यार दोस्तों, कल के मैच को लेकर मेरा प्रेडिक्शन बहुत पहले से था. जिस दिन श्रीलंका ने बांग्लादेश को हराया था, आपने देखा होगा वो क्वालिफाई करना था सुपर फोर के लिए, उसका मैच था. उस दिन समझ गए थे ये श्रीलंका टीम किसी भी टीम को हरा सकती है. ये प्लेयर है बिल्कुल फोड़ू प्लेयर, मतलब ये आके धनाधन अटैकिंग खेल रहे हैं और ये ऐसा खेलते हैं तो इस वजह से ये किसी भी टीम को हरा सकती है. वैसा ही कुछ सीन हुआ इंडिया के साथ, इंडिया के साथ उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी चल गई. और फिर आपने देखा कि लास्ट पर कैसा फिनिश किया, हालांकि इंडिया के पास उनके मेन बॉलर नहीं थे. पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान बहुत डोमिनेटिंग नजर नहीं आया, तो मुझे उसकी वजह ही बुनियादी तौर पर ये लगती है कि हमारा की प्लेयर ही जो परफॉर्म नहीं कर रहा, तो जाहिर सी बात है वो बाकी लोग भी इसी तरह से प्रेशर में होते हैं. और कैप्टन अगर परफॉर्म ना करे फ्रंट से, कोई मतलब नहीं. श्रीलंका बहुत अच्छे मैच जीती, बहुत अच्छे मैच जीती, वो बहुत अच्छे मैच जीती है. और भारत और पाकिस्तान दोनों टीम, पाकिस्तान भी जीता क्लोज क्लोज जाके जीता है, हालांकि भारत अफगानिस्तान से बहुत अच्छा मैच जीता था. पाकिस्तान तो अफगानिस्तान से भी रोते रोते जीता था. तो आप समझ सकते हो वर्ल्ड कप के लिए आज टीम अनाउंस हो चुकी है. मुझे पता था कि जडेजा शायद टीम में ना रहे और जडेजा टीम में नहीं है, तो आप समझ सकते हो दोस्तों टीम के साथ ऐसा होगा कि जडेजा का शायद रिप्लेसमेंट वो दीपक हुड्डा को लेकर चल रहे हैं कि थोड़ा बहुत ऑफ बॉलिंग कर ले और एक दो ओवर डाले. हालांकि दीपक हुड्डा अच्छे प्लेयर है, अगर आप देखें उनका करियर, आईलैंड के खिलाफ सेंचुरी मारी है लेकिन आईपीएल में भी उन्होंने अच्छा खेला है. जडेजा से तो अच्छे नहीं है बट अच्छे प्लेयर है. डीके को भी सिलेक्ट किया गया है, ऋषभ पंत को भी सिलेक्ट किया गया है, केएल राहुल भी सिलेक्टेड है. ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी पिचेस हैं और देखते होता क्या है. मेरे हिसाब से विराट कोहली को ओपनिंग करनी चाहिए किसी भी हालत में. रोहित शर्मा विराट कोहली का कॉम्बिनेशन मैं देखना चाहता हूँ, और केएल राहुल नीचे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. सूर्य कुमार हिलाली साहब को भी सुनते हैं. केएल राहुल को लोग कह रहे हैं कि यार इनको सिलेक्ट क्यों किया, ये वो बहुत बातें हो रही है केएल राहुल के बारे में. लेकिन केएल राहुल को बात ये है कि पहले तो बहुत उम्मीद है क्योंकि बड़े प्लेयर हैं, देखना चाहिए एजुकेशनल स्टैंडर्ड जिस दिन वो खेलेगा वो बहुत खेलता है. आपको भी पता है आईपीएल में हर बार ऑरेंज कैप रहती है, चार चौके होने के बावजूद हिंदुस्तान में बहुत बड़ा प्लेयर है, मारेगा जिस दिन तो अच्छा मारेगा. आपको क्या कहना है इस टॉपिक पर, प्लीज कमेंट में.